हाय गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Redmi Note 5 Pro के एक कस्टम रोम के बारे में, जो कि यहाँ पे वी प्रोजेक्ट आया हुआ है। और यहाँ पे इस रोम के जो मेंटेनर हैं वो वही हैं जो नुसंतारा के भी हैं। तो आपको जो है यहाँ पे नुसंतारा के मेंटेनर का न्यू रोम जो कि देखने को मिलने वाला है, और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। कुछ बग भी अभी फर्स्ट बिल्ड है ये, तो हम यहाँ पे बात करेंगे। और ये ऑफिशियल एंड्रॉयड 11 का रोम है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आगे आपको इंस्टॉलेशन भी ज़रूर मिलेगा। तो पूरी वीडियो में बने रहें। तो चलिए वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अबाउट फ़ोन की, तो यहाँ पे ऑल स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाली, फ़ोन की ओनर नेम भी मिल जाता है, और नीचे हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन हो गया। और अगर हम मेन अपने इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है वर्जन मिल जाता है वी प्रोजेक्ट का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 2.1.0 प्लस है। मेंटेनर नेम भी आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड अगर हम बात करें वर्जन की, तो एंड्रॉयड 11 हमें देखने को मिलता है, 5 नवंबर 2020 की लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाती है। और कर्नल यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड का देखने को मिलने वाला, जो कि नुसंतारा में हमें देखने को मिलता था। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे स्टेटस बार के बारे में, तो स्टेटस बार में आपको जो है कुछ इस तरीके से टॉगल्स मिलने वाले यहाँ पे। तो ये कुछ टॉगल्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे FPS इन्फो ओवर लेयर भी देखने को मिल जाता है, प्ले भी देखने को मिल जाता है, लॉक टाइल भी मिल जाता है, और थ्री डॉट पे हमें जो है यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। बात करें FPS इन्फो की, FPS इन्फो जो है यहाँ पे बिल्कुल ऐसे तरीके से काम कर रहा है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे डिवाइस ऑडियो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्टार्ट करता हूँ, और 3 सेकंड का टाइम यहाँ पे लगता है। और लैग की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे हमारे जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लैग अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होता, और काफ़ी स्मूथ है यहाँ पे। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपके जो है यहाँ पे स्मूथ है। वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरीके से मिल जाता है आपका, यहाँ पे लाइव कैप्शन भी नीचे मिल जाता है, और एक्सटेंड भी आप यहाँ पे कर पाओगे वॉल्यूम पैनल को, तो काफ़ी अच्छी बात है। एंड पावर मेन्यू आपको मिल जाता है, डिवाइस कंट्रोल मिल जाता है, पावर ऑफ एंड रिस्टार्ट पे आपको जो है यहाँ पे एडवांस रिस्टार्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ ऑप्शन जो कि एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रीसेंट की, तो रीसेंट भी आपको जो है यहाँ पे काफ़ी स्मूथ आपको मिलने वाला। नीचे हमें जो है शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ साथ यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे शेयर एंड एडिट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम होम स्क्रीन पे होल्ड करते हैं और चलते हैं यहाँ पे स्टाइल एंड वॉलपेपर्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट एक वॉलपेपर मिल जाता है जो कि ऑलरेडी सेट है स्क्रीन पे। एंड स्टाइल्स के अंदर आपको ये कुछ स्टाइल मिल जाते हैं, और सभी के सभी जो है यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से अप्लाई हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है अप्लाई हो जाता है। तो फिलहाल मैं अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाला अपना लगा लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ आगे। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मैं जो है लगा चुका हूँ, और आप देख सकते हो ये कुछ स्टाइल मिलते हैं, ग्रिड मिल जाता है आपको, एंड क्लॉक स्टाइल भी यहाँ पे आपको काफ़ी मिल जाते हैं। तो कस्टमाइजेशन भी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे मिलती है, क्लॉक भी आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, बिल्कुल ऐसे तरीके से अप्लाई हो जाता है। और चलते हैं होम स्क्रीन के अंदर, तो वीव का ही लॉन्चर यहाँ पे देखने को आपको मिलने वाला है। तो ये लॉन्चर आप देख सकते हो यहाँ पे मिल जाता है, जो कि यहाँ पे पिक्सल लॉन्चर की तरह ही आपको पूरी मिलने वाली सारी सेटिंग्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हम बात करें कॉलिंग की, तो यहाँ पे वॉल्टी हमारी काम कर रही है। वीडियो कॉलिंग के लिए आपको जो है यहाँ पे ऐप यूज़ करना पड़ेगा थर्ड पार्टी, तभी आप वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे। एंड कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर यहाँ पे नहीं मिलता, क्योंकि ये रोम जो है बिल्कुल पिक्सल की तरह आपको मिलती है, जी एप्स इंक्लूडेड है, इसलिए आपको कुछ इस तरीके से कॉलिंग UI मिल जाती है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो गूगल मैप भी आपको डिफॉल्ट यहाँ पे मिलने वाला है प्री इंस्टॉल, एंड म्यूजिक प्लेयर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर भी आपको देखने को मिल जाता है, कलरफुल बिल्कुल। एंड यहाँ पे ज़्यादातर एप्लीकेशन आपको गूगल के देखने को मिल जाते हैं, FM भी आपका जो है मिल जाता है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे प्ले स्टोर के बारे में, तो हम यहाँ पे प्ले स्टोर भी आपको दिखा देते हैं, एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिलती है। और बात करें प्ले स्टोर की, तो प्ले स्टोर हमारा बिल्कुल सर्टिफाइड आपको मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको सर्टिफाइड मिल जाता है, वो भी विदाउट रूट। और यहाँ पे मैं आपको चेक भी करा दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो नॉट रूटेड डिवाइस है यहाँ पे। और सेफ्टी नेट की अगर मैं बात करूँ, तो सेफ्टी नेट भी हमारा यहाँ पे पास मिल जाता है, तो बिल्कुल काफ़ी अच्छी बात है। और बैंकिंग ऐप तो आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, सेफ्टी नेट विदाउट रूट आपको मिल जाता है, तो बैंकिंग ऐप आपको यूज़ करने में कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। आप बैंकिंग ऐप जो है बिल्कुल आराम से यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, जैसे कि आप देख सकते हैं वर्किंग है बिल्कुल परफेक्ट। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें ब्लर की, तो ये जो है डेवलपर ऑप्शन से ब्लर इनेबल रहता है, तो उसको आप डिसेबल कर लेना अगर आपको डिसेबल करना है। तो डिसेबल करने के बाद आपकी रोम जो है थोड़ी सी और स्मूथ हो जाएगी, ब्लर के बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का लैग सा स्क्रॉल में देखने को मिलता है, तो वो डिसेबल कर लेना। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें सेटिंग्स की, तो नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पे वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट हमारा सेम टाइम पे वर्किंग है। और यहाँ पे मोबाइल प्लान भी आपको देखने को मिलता था, यहाँ पे जियो का तो जो वेबसाइट है यहाँ पे ओपन नहीं होगा, लेकिन
आपके पास अदर कोई सिम है तो यहाँ पे आप अपने जो सिम का है यहाँ पे प्लान भी आप चेक कर पाओगे इसकी वेबसाइट पे डायरेक्ट जा करके। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें कनेक्शन के अंदर कास्ट की, तो कास्ट में अभी बग हमें देखने को मिलता है जो कि काम नहीं कर रहा। नीचे एंड्रॉयड ऑटो भी देखने को हमें मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे वी एक्स के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे स्टेटस बार सेटिंग्स में चलते हैं तो यहाँ पे वॉल्टी आइकन्स जो हैं आपको मिल जाते हैं। ये कुछ 3 से 4 वॉल्टी आइकन मिलते हैं। और यहाँ पे इंटरनेट जो कि आपका स्पीड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये डिफ़ॉल्ट पे ही सेट रहता है, 0 पे आप करोगे तो सेट नहीं हो रहा है। तो डिफ़ॉल्ट पे जब आपका इंटरनेट चलेगा तो अगर आप बफरिंग कुछ भी होगा तब आपका इंटरनेट जो है यहाँ पे स्क्रीन पे आपके स्टेटस बार पे शो करेगा स्पीड है, लेकिन ये जो है काम कर रहा है आपका। क्विक सेटिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑटो ब्राइटनेस आइकन भी इनेबल डिसेबल के लिए दिया गया है। और अगर हम यहाँ पे बैक करते हैं और चलते हैं बटन्स के अंदर, तो बटन्स में भी आपको वॉल्यूम पैनल जो कि आपको लेफ्ट में करने के लिए दिया गया है। और लॉक स्क्रीन के अंदर मीडिया आर्टवर्क देखने को मिल जाता है। और पावर मेन्यू के अंदर ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप ऐड कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट आपका जो है एडवांस रिस्टार्ट इनेबल रहता है। और नीचे हमें जेस्चर की सेटिंग के अंदर डबल टैप टू स्लीप स्टेटस बार के लिए एंड लॉक स्क्रीन के लिए मिल जाता है। और स्वाइप टू स्क्रीनशॉट जो कि 3 फिंगर स्क्रीनशॉट भी हमें मिल जाता है यहाँ पे जेस्चर के अंदर में। एंड अबाउट नीचे आपको दिया गया है यहाँ पे, तो आप जो है देख सकते हैं अबाउट। एंड बात करें ऐप एंड नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो होम ऐप जो कि वीप लॉन्चर देखने को मिल जाता है। और बैक करते हैं और चलते हैं बैटरी के अंदर, तो यहाँ पे बैटरी सेवर मिल जाता है, एडेप्टिव बैटरी मिल जाता है, बैटरी परसेंटेज इनेबल डिसेबल के लिए दिया गया है। बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 आवर फुल ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 62% बैटरी हमें यहाँ पे मिली है। तो यहाँ पे नुसंतारा से तो कम है, लेकिन बैटरी बैकअप फिलहाल अच्छी ही अभी के हिसाब से जो है मिल रही है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे बात करते हैं डिस्प्ले सेटिंग्स की, तो डिस्प्ले के अंदर हमारा यहाँ पे डार्क थीम जो कि बिल्कुल इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, लेकिन एक बग आपको यहाँ पे मिलता है जो कि नाइट लाइट में, तो नाइट लाइट जो है यहाँ पे काम नहीं कर रही। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक बग आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। एंड ऑटो ब्राइटनेस हमारा काम कर रहा है, वॉलपेपर ऑलरेडी मैं आपको दिखा दिया। एंड स्क्रीन टाइम मिल जाता है, ऑटो रोटेशन जो कि काम कर रहा है यहाँ पे। स्क्रीन सेवर मिल जाता है, लॉक स्क्रीन के अंदर आपको नाउ प्लेइंग देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। और साथ साथ यहाँ पे ऑलवेज शो टाइम एंड डे इन्फो मिल जाता है जो कि बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है हमारा। और नीचे आपको वैक स्क्रीन फोन नोटिफिकेशन भी दिया गया है यहाँ पे। और बैक करते हैं यहाँ पे और चलते हैं हम यहाँ पे अपना डबल टैप टू बैक हमारा काम कर रहा है। डिस्प्ले जो कि डेंसिटी ऑप्शन हमें मिल जाता है। और साउंड के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें जो है देखने को मिल जाता है वाइब्रेट फॉर कॉल एंड लाइव कैप्शन, मीडिया भी देखने को मिलता है यहाँ पे। और नीचे दिया गया है ये कॉल जो कि हमारे नाउ प्लेइंग दिया गया है। एंड अदर साउंड एंड वाइब्रेशन का भी ऑप्शन देखने को आपको यहाँ पे मिल जाता है। चलते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर, तो यहाँ पे आपको सिर्फ फिंगरप्रिंट अभी देखने को मिल रहा है, फेस अनलॉक नहीं है। और पैटर्न साइज भी आपका नॉर्मल मिलता है, लेकिन फिंगरप्रिंट की अगर बात करें तो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है फिंगरप्रिंट का। और यहाँ पे एंड्रॉइड 10 वाला इशू देखने को आपको नहीं मिलता है, तुरंत जो है अनलॉक हो जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे जो है बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है फिंगरप्रिंट। और यहाँ पे स्क्रीन लॉक सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट, मैक पैटर्न जो कि विजुअली सारी चीज़ें मिलती हैं, स्मार्ट लॉक नीचे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे चलते हैं डिजिटल वेल्विंग के अंदर, तो डिजिटल वेल्विंग का भी जो है सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड सिस्टम के अंदर अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पे जेस्चर सेटिंग, जिसके अंदर यहाँ पे आपको जो है क्विक ओपन कैमरा मिल जाता है, सिस्टम नेविगेशन देखने को मिलता है, और जेस्चर सेंसिटिविटी आप यहाँ पे देख सकते हो। 2 बटन नेविगेशन हो या 3 बटन नेविगेशन, आपका दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है, तो आप जो है यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। तो जेस्चर के अंदर फिलहाल आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, बिल्कुल ऐसे तरीके से जो है ये काम कर रहा है यहाँ पे। एंड नीचे हमें रिंगिंग मिल जाता है, पावर मेन्यू की सेटिंग्स मिल जाती है, और डेट एंड टाइम रूल्स। एंड नीचे मल्टीपल यूज़र मिल जाता है, सिस्टम अपडेट दिया गया है यहाँ पे, तो आप अपनी अपडेट्स भी यहाँ पे चेक कर पाएंगे। एंड नीचे यहाँ पे सोमी पार्ट्स भी हमें देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर टॉर्च ब्राइटनेस यहाँ पे लो हाई करने के लिए दिया गया है, और वाइब्रेशन स्ट्रेंथ दिया गया है, डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन दिया गया है, FPS इन्फो हो गया, एंड यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले जेस्चर दिया गया है। एंड डायरेक्ट साउंड इंजेंसर की अगर बात करें तो ये जो है काम नहीं कर रहा है, मैं ट्राई किया लेकिन ये जो है वर्किंग नहीं है अभी फिलहाल, तो इसमें भी आपको बग मिल जाता है। माइक्रो फोन गेन यहाँ पे मिल जाता है, ईयर पीस एंड स्पीकर गेन एंड सेलिनेक्स जो कि परमिसिव भी है। एंड नीचे आपको इनेबल USB फास्ट चार्ज मिल जाता है। और बात करते हैं यहाँ पे एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की, तो 146,244 यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्कोर हमें, जो कि अभी बाकी सभी एंड्रॉइड में सेम ही है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्राफिक की पबजी की, तो पबजी के ग्राफिक स्मूथ पे हाई है, और बैलेंस पे भी हाई है, और HD पे भी हमें हाई ही देखने को मिल जाती है। तो हम यहाँ पे स्मूथ एंड हाई फ्रेम रेट पे खेलने वाले। और पबजी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो पबजी परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल रही है, तो मेंटेनर सेम है, तो यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस जो है आपको अच्छी ही देखने को मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि नुसंतारा की गेमिंग परफॉर्मेंस अभी एंड्रॉइड 11 में
बेस्ट आपको मिलती है। और यहाँ पे जो है इसमें भी जो है आपको गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो अगर आपको इसके फीचर्स या फिर इसके स्टाइल जो भी अगर आप पसंद आता है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो और इसके बग अगर आप इग्नोर कर सकते हो जो जो मैं अभी आपको बताया हूँ, तो आप जो है आराम से यूज़ कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो है सेफ्टी नेट आपको पास मिल जाता है, तो बैंकिंग ऐप भी यूज़ करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और बग जैसे कि नाइट लाइट मिल जाता है, यहाँ पे एमआई साउंड इनहेंसर वाला, ये आपको बग देखने को मिलने वाले अभी फ़िलहाल, मे भी आगे के अपडेट में फिक्स होंगे, लेकिन अभी जो है आपको देखने को मिल रहे थे। यही सारी चीज़ें थी। और बात करते हैं इसके इंस्टॉलेशन के बारे में, तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे रोम डाउनलोड करके रख लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पे जी एप्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोम में जी एप्स इंक्लूडेड है। और डाउनलोड करने के बाद चलते हैं हम रिकवरी में, और रिकवरी में जाने के बाद आपको वाइप पे जाना है, और यहाँ पे डॉल्विक कैश सिस्टम वेंडर डेटा, इन पाँचों को जो है आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे स्वाइप टू वाइप आपको कर देना है, और थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। और ये जब वाइप हो जाए आपको सिंपली अपने फाइल में जाना है, और फाइव मेल जाने के बाद अपनी रोम को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो है इसे फ्लैश कर देना है कुछ इस तरीके से। और ये जो है आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे फ्लैश हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे वाइप कैच करना है और रिबूट कर देना अपने फ़ोन को। यहाँ पे जी एप्स फ्लैश करने की जरूरत नहीं है, जी एप्स जो है यहाँ पे आपको इंक्लूडेड मिल जाता है। ये लोगो जो देखने को मिल रहा है, मैं पोर्ट रोम यूज़ कर रहा था तो उसका जो है यहाँ पे लोगो देखने को मिल रहा है, तो आप में एमआई लोगो ही आएगा अगर आप एमआई की रोम में किसी में थे, एमआई लोगो था उसमें। तो एंड यहाँ पे आपका बूट एनिमेशन जो कि इस रोम का कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, और थोड़ी देर बाद आपका यहाँ पे फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो अपना सेटअप कंप्लीट कर लेना, और किसी किसी का ये भी हो सकता है कि ऑन होने के बाद एक बार रिस्टार्ट हो, वापस फिर ऑन हो, उसके बाद फिर सही चलेगा, ये हो सकता है, तो घबराना नहीं है उसमें। एंड आप देख सकते हो ये डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन आपको मिलते हैं यहाँ पे, तो गूगल के ज़्यादातर एप्लीकेशन मिल जाते हैं, क्योंकि जी एप जिनमें इंक्लूडेड रहता है उनमें गूगल के एप्लीकेशन आपको ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मिल ही जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी गूगल के एप्लीकेशन आपको काफ़ी मिल जाते हैं, गूगल मैप भी है। तो यही सारी चीज़ें थी, और इस तरीके से जो है रोम को आप प्लस कर पाओगे बिल्कुल इजी, अगर आपको बस कस्टम रिकवरी आपके फ़ोन में होनी ज़रूरी है। तो बस आज के वीडियो में यही सारी चीज़ें थी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए, और सपोर्ट आप लोग इसी तरीके से आगे भी करते रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।